आज मेरे पास है अरबियन अरोमा का न्यूली लॉन्च सिग्नेचर सीरीज, जिसके अंदर टोटल 6 परफ्यूम आते हैं और जानेंगे इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है। हमको सिखा रिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल। मेरा नाम आशीष है। स्टूडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं अरबियन अरोमा के सिग्नेचर सीरीज के परफ्यूम को, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है और मेरे पास टोटल 5 परफ्यूम है। इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं 1.5 महीने के आसपास से यूज कर रहा हूँ, तो जानेंगे इनमें सबसे बेस्ट परफ्यूम या सबसे अच्छा परफ्यूम कौन सा है। बेसिकली रैंकिंग होगी मेरे हिसाब से, एंड इसका प्राइस पॉइंट क्या है, लॉन्जिविटी क्या है, प्रोजेक्शन कैसा है, लास्ट में जानेंगे मेरा ओपिनियन इन परफ्यूम्स के बारे में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो बता दूं आपको इस चैनल पे मेंस ग्रूमिंग और मेंस हेल्थ से रिलेटेड सारे टिप्स और ट्रिक्स मिलते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोस टाइमली मिलती रहें। अगर मैं अरबियन अरोमा की बात करूं तो अरबियन अरोमा काफी रिनाउंड नेम है। ये नीश या बड़े ब्रांड के परफ्यूम के ड्यूप्स या इंस्पायर्ड वर्जन बनाते हैं, जो ऑलमोस्ट 80-90% एग्जैक्ट होते हैं और लॉन्जिविटी भी काफी अच्छी होती है। रिसेंटली इन्होंने अपना सिग्नेचर कलेक्शन लॉन्च किया, इसके अंदर टोटल कुछ 6 परफ्यूम देखने को मिलते हैं। परफ्यूम्स के नाम की बात करूं तो डार्क बाय अरबियन अरोमा, ग्लैम मैजिक, रॉयल वूड, सिडक्शन, होराइजन एंड नोवा, टोटल इन्होंने 6 ब्रांड लॉन्च किए हुए हैं, 6 परफ्यूम लॉन्च किए हुए हैं। और चलिए फटाफट परफ्यूम के स्मेल की बात कर लेते हैं। पहले नंबर पे जो मुझे परफ्यूम पसंद आता है वो आता है रॉयल वूड। ये आपको प्रॉपर मिडिल ईस्टर्न टच देगा, सारी वही फीलिंग देगा आपको। अगर मैं इसके नोट्स की बात करूँ तो इसके टॉप नोट्स में आपको सैफरन, सिनामन, अगरवुड एंड रोज की स्मेल आपको प्रोमिनेंट फील होती है। उसके बाद ये सेटल डाउन हो जाता है लेदर, मस्क और वनीला की तरफ, ठीक है, जो लास्ट करता है अप टू 6.5 आवर एंड कपड़ों पे लास्ट करता है अप्रॉक्सीमेटली 9 घंटे के आसपास। अगर मैं इसे प्रोजेक्शन की बात करूं तो ये प्रोजेक्ट करता है आपको 5 फीट के आसपास इनिशियली, 15 से 20 मिनट, उसके बाद ये सेटल डाउन हो जाता है और 3-3.5 फीट के आसपास लोग आपको नोटिस करेंगे, ठीक है। ये परफ्यूम आप लेट इवनिंग समर या फिर जब विंटर की स्टार्टिंग होती है, विंटर में आप इसको वियर कर सकते हो और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, इसलिए मेरे लिस्ट में पहले नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे जो परफ्यूम आता है गाइस वो है होराइजन। होराइजन की स्मेल को डिकोड करना बहुत टफ है और ये मेरा गो टू परफ्यूम है, काइंड ऑफ बोल सकते हो मानसून या लेट समर इवनिंग के लिए। और लॉन्ग लास्टिंग की बात करूँ तो ये लास्ट करता है अप टू 4.5 आवर एंड प्रोजेक्ट करता है आपको 5 फीट के आसपास, ठीक है। अगर मैं इसके स्मेल की बात करूं तो इसके टॉप नोट्स में बेसिकली आपको फील होता है एप्पल, लोटस, देन एम्बर की स्मेल, एंड जैसे ही बेस नोट्स एक्टिवेट हो जाता है वो थोड़ा सा लेदरी मस्की की तरफ चला जाता है। और ये एक ऐसा परफ्यूम है आप किसी भी वेदर में लगा सकते हो और बहुत अमेजिंग ये परफॉर्मेंस देता है, चाहे आप कितनी भी धूप में निकल रहे हो, लेट इवनिंग है, विंटर है, सब मौसम में बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस देता है ये। हमारी इसमें तीसरे नंबर पे जो परफ्यूम आता है वो है सिडक्शन। जैसा इसका नाम है काम भी सा काफी हद तक वैसा है। इसके अंदर आपको पाइनएप्पल, जैस्मिन एंड मस्क की अमेजिंग स्मेल देखने को मिलती है, जो बहुत ही अच्छी फील होती है। और इसको आप थ्रू आउट समर, रेनी सीजन, बेसिकली मानसून सीजन में एंड जो विंटर का ओपनिंग मंथ होता है लाइक नवंबर दिसंबर 15 तक, आप इसको बहुत अच्छे से बियर या कैरी कर सकते हो। अगर मैं इसे परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसकी लॉन्जिविटी है 3-3.5 घंटे के आसपास स्किन पे, कपड़ों पे अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे के आसपास लास्ट करता है, प्रोजेक्ट करता है आपको 2.5 क्लोज टू 3 फीट। अगर मैं इसके ऑफिशियल नोट्स की बात करूँ तो इसके टॉप नोट्स में आपको पाइनएप्पल, सैफरन देखने को मिलेगा, मिडिल नोट में आपको एम्बर, सेडर, अगरवुड, बेस नोट पे आपको जैस्मिन देखने को मिलता है। और मैजिक में जो 4th नंबर परफ्यूम आता है वो आता है ग्लैम मैजिक। ये आपका रेगुलर समर परफ्यूम नहीं है, इसके अंदर आपको मैड्रिड एंड पिनॉय की काफी तक स्वीट स्मेल ओपनिंग नोट्स में देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको पचौली देखने को मिलेगा एंड सैंडलवुड की स्मेल देखने को मिलेगी अलॉन्ग विद द रोज। और ये समर में बहुत अमेजिंग काम करता है। इसका प्रोजेक्शन थोड़ा सा कम है, 2.5 से 3 फीट के आसपास जाता है, हाउएवर लॉन्जिविटी काफ़ी अच्छी है इसकी, 4 घंटे के आसपास लॉन्जिविटी देता है आपको स्किन पे, कपड़ों पे अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे के आसपास जाता है। प्राइस पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया है, 599 रुपये के आसपास है। और आप इसको समर में या फिर मानसून सीजन में या फिर विंटर के ओपनिंग मंथ में इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर मैं इसके ऑफिशियल नोट्स की बात करूँ तो इसके आपको टॉप नोट्स में मैड्रिड ऑरेंज, पिनॉय देखने को मिलेगा, मिडिल नोट में आपको ऑस्मोसिस रोज, बेस नोट पे आपको सैंडलवुड, पिंक पेपर एंड पचौली की स्मेल देखने को मिलती है। हमारे जो 5वां नंबर परफ्यूम आता है वो आता है डार्क। जैसा नाम है वैसा सा काम है, इसकी स्मेल आई गेस सबको पसंद नहीं आएगी कि उसके अंदर अगरवुड मिसिंग है। हाउएवर इसके अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो इसके अंदर आपको प्रोमिनेंट टोबैको, स्वीट टोबैको की स्मेल देखने को मिलती है, देन सैफरन, सैंडलवुड एंड सिनामन की स्मेल देखने को मिलती है।
ये टिपिकल विंटर परफ्यूम है या लेट समर इवनिंग परफ्यूम है, अगर आप क्लोज इन्वायरमेंट में हो तभी आप इसको वेयर करोगे, वरना बहुत ही वियर्ड स्मेल आएगी, स्पेशली अगर आप मानसून सीजन में इसको वेयर करते हो तो। हाँ, पर इसका जो प्रोजेक्शन है काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी तगड़ा प्रोजेक्ट करता है आपको, अप्रॉक्सीमेटली 4-4.5 फीट के आसपास प्रोजेक्ट करता है। इसके मैं लॉन्जिविटी की बात करूँ तो इसकी लॉन्जिविटी जाती है अप टू 4 आवर के आसपास, 6 घंटे 6.5 घंटे के आसपास ये कपड़ों पे आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस, ये रही परफ्यूम के स्मेल एंड नोट्स की बात। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो आपने ऐसे परफ्यूम प्रॉब्ली स्मेल नहीं किए होंगे, क्योंकि इनकी स्मेल काफ़ी यूनिक है एंड आपको ये टिपिकल मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। बेसिकली आपको नीश परफ्यूम में ही जाके देखने को मिलेगी, और ये तब होता है जब काफ़ी हद तक आप या काफ़ी लंबे टाइम तक परफ्यूम में काम करते हो, बनाते रहते हो, देन आपको आइडिया मिल लगता है कि आप कुछ ऐसे परफ्यूम भी क्रिएट कर सकते हो। इनके कलेक्टिवली अगर मैं लॉन्जिविटी की बात करूँ तो 4.5 घंटे के आसपास ये लास्ट करते हैं, और ये आपको प्रोजेक्ट करते हैं 3-3.5 फीट के आसपास, जो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन कहलाता है। प्राइस पॉइंट की बात करूँ तो ये 599 से लेकर 799 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे इनकी वेबसाइट पर, और जाइए आप अमेजॉन पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ भी बहुत सारे परफ्यूम के अवेलेबल हैं। और इनकी वेबसाइट पे आई गेस 2+1 का कुछ ऑफर चल रहा है, 2 परफ्यूम खरीदो और 1 परफ्यूम आपको फ्री मिलेगा, तो आप उस ऑफर का भी अवेल कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।